हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले हियर। दोस्तों, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ इंटरव्यू के जो कॉमन क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं अक्सर, वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कोई भी पूछ लेता है और बहुत इजी भी है। ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है, सबको पता रहता है, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो साइज क्या होता है ब्रिक का स्टैंडर्ड, तो 19 सेंटीमीटर × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइज होता है ब्रिक का स्टैंडर्ड। अगर हम इसको mm में बात करें, mm में कितना हो जाएगा, 190 mm × 90 mm × 90 mm। ठीक है, ये हो गया mm में साइज। देखिए, एक ब्रिक जो होती है ऐसे कुछ होती है, एक मिनट, ये एक ब्रिक का मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसकी लेंथ है ये होगी 19 सेंटीमीटर, ये जो इसकी हाइट है ये 9 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और mm में बात करें तो 190 × 90 × 90 mm। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर एक फ्रॉग होता है, पता होगा आपको, फ्रॉग बनाया जाता है यहाँ पे। इसका साइज़ भी अक्सर पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, तो इसका साइज़ कितना होता है, 10 × 4 × 1। ये सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या होगा, ये जो फ्रॉग की जो लेंथ है वो, और हाइट कितनी होगी 1 सेंटीमीटर ये, और चौड़ाई कितनी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ ब्रिक से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ सीमेंट बैग। देखिए, सीमेंट बैग की वॉल्यूम सबको पता होता है कि सीमेंट जो है, सीमेंट का एक कट्टा जो आता है वो 50 kg का आता है, लेकिन उसका वॉल्यूम उसमें कितना आता है, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो अगर मीटर क्यूब में बात करें तो उसकी वॉल्यूम होती है 0.0347 m³। ठीक है, अगर क्यूबिक फीट में बात करें तो 1.23 क्यूबिक फिट में इसकी वॉल्यूम होती है। अगर ये दोस्तों वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो 50 kg जो बैग होता है सीमेंट का, उसकी वॉल्यूम ये कैसा आई, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, वाई कवर ब्लॉक इज प्रोवाइडेड टू रिइंफोर्समेंट। ठीक है, देखिए, कोई भी बीम कॉलम बनाते समय हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। अब यही पूछा है कि कवर ब्लॉक क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो कवर ब्लॉक जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कवर ब्लॉक इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द स्टील बार अगेंस्ट कोरोजन एंड टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो यह है कि उनको बचाना है हमें कोरोजन से। ठीक है, अगर कवर ब्लॉक को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टील जो है हमें दिखने लगेगा बाहर से, और जब दिखेगा तो जब बारिश आएगी तो वो जो रेन वाटर है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा किसके, स्टील बार के। तो उससे क्या होने वाला है, उससे क्या होगा, जंग लग जाएगा। यानी कि जैसे ये हमारा कॉलम बनाया हमने और ये स्टील बार जो होते हैं इसमें ऐसे, ठीक है, अगर ये यहाँ पर कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये हटा देंगे, तो फिर ये स्टील बार ऐसे हमें बाहर दिखने लगेगा, और जब बारिश आएगी तो इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगी और क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। अगर पूछ ले आपको कि कितने मिनिमम नॉमिनल कवर जो है हम प्रोवाइड करते हैं बीम में या किस में, तो मैं बता दूंगा आपको, स्लैब में जो करते हैं 20, अगर स्लैब के केस की बात करें स्लैब में, तो 20 mm प्रोवाइड करते हैं कवर। और बीम में, बीम की बात करूँ तो बीम में प्रोवाइड करते हैं 25 mm। कॉलम की बात करें तो कॉलम में प्रोवाइड करते हैं 40 mm। एंड फुटिंग में, देखिए फुटिंग में कितना प्रोवाइड करते हैं, 50 mm। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन तो यही हो गए। पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर की, स्लैब में बताइए मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम मैंने बताया आपको, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, व्हाई इज फाउंडेशन प्रोवाइडेड। फाउंडेशन यानी कि जो घर बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसकी फुटिंग बनाएंगे, यानी कि फाउंडेशन बनाएंगे। अब क्वेश्चन यही है कि फुटिंग फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जैसे एक बिल्डिंग मैंने बनाई,
ठीक है। तो इस बिल्डिंग के जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, एक ग्राउंड लेवल से नीचे, सपोज कीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सब स्ट्रक्चर, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का जो पार्ट है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं सब स्ट्रक्चर। तो अब क्यों प्रोवाइड करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इन द सोइल, ठीक है। जो सुपर स्ट्रक्चर का जो ये लोड है ऊपर का, ये सब स्ट्रक्चर पे सोइल, सब स्ट्रक्चर के थ्रू सोइल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग जो है फुटिंग का यानी कि फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ ए कॉन्क्रीट क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेते हैं इसको। कॉन्क्रीट क्यूब हम लोग साइट पे बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है बनाना, तो उसका साइज पूछा है, साइज ही पूछते हैं अक्सर कि साइज कितने साइज के कॉन्क्रीट के क्यूब बनाए जाते हैं साइट पे। तो mm में बात करें तो 150 mm by 150 mm by 150 mm, देखिए यानी कि बिल्कुल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। 150 mm है, हाइट भी, विड्थ भी और उसकी चौड़ाई भी सब कुछ, ठीक है, लंबाई भी 150 mm है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 15 cm by 15 cm by 15 cm, ठीक है। तो ये हो गया इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि हम कॉन्क्रीट क्यूब बनाते क्यों हैं, ठीक है। तो हम इनको जो बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं ताकि हम कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक कर सकें, यानी कि इस पर लोड लगा के ऊपर से यहाँ से इसको, मतलब कि मशीन के द्वारा फिक्स करके ऊपर से लोड लगाते हैं, यहाँ से लोड लगाते हैं और चेक करते हैं कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। यानी कि जैसे हमने M20 ग्रेड के अगर कॉन्क्रीट यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 20 N/mm² आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। देखिए क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, 28 डेज की क्यूरिंग के बाद उसकी स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 20 N/mm², ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जो है साइड से बहुत सारे क्यूब बनाते हैं। हाँ, सपोज कीजिए हमने 100 क्यूब बनाए, ऐसे ऐसे 100 क्यूब अगर हमने बनाए तो उनमें से जो है 5% से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए जब हम इस पर लोड लगाएंगे। यानी कि अगर M20 का ग्रेड यूज करा तो इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी, 20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 20 से कम जो है पाँच तो आ जाए ठीक है, लेकिन 5 से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर, ठीक है। तो जो बिल्डिंग बनाते वक्त ये जो फ्लोर बनते हैं, पूछा है कि इनकी हाइट कितनी होती है स्टैंडर्ड, तो 3 meter होती है स्टैंडर्ड हाइट, याद रखना है इसको, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मिक्स रेशो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। M20 ग्रेड के कॉन्क्रीट के लिए पूछ लेते हैं मिक्स रेशो क्या है। किसी भी ग्रेड के लिए पूछ सकते हैं, M5 के लिए, M7.5 के लिए, लेकिन ज़्यादातर क्या पूछा जाता है M20 के लिए, क्योंकि RCC में जो मिनिमम ग्रेड यूज होता है वो M20 होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है। और इसका जो रेशो होता है वो होता है 1:1.5:3। 1 क्या है, सीमेंट है, 1.5 क्या है, सैंड है, एंड 3 क्या है, एग्रीगेट है, यानी कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशो है, ठीक है। तो अब M20 के लिए पूछ लिया तो हम ये बता देंगे, ठीक है, हमें याद होगा तो ये, लेकिन अब हम इसको याद कैसे करें, मैं सबका बता देता हूँ, किसी भी ग्रेड का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 ये ग्रेड के कंक्रीट हो गए। देखिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट इनका रेशो है, तो सीमेंट का सब में एक एक पार्ट रहेगा, ठीक है, वन पार्ट, ये देखिए सब में वन पार्ट है, ठीक है। एंड सैंड का क्या है, देखिए नीचे से आप लिखना शुरू कीजिए, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और एग्रीगेट का क्या करना है, इनका डबल करना, जैसे 5 × 10, 4 × 8, 3 × 6, 2 × 4 एंड 1.5 × 3,
वन का डबल टू, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारे ग्रेड के लिए, आसानी से याद हो जाएगा, इसको याद कर लेना, किसी भी ग्रेड का पूछा जा सकता है। अब अगर अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या है वो क्वेश्चन, जैसे ये एम ट्वेंटी ग्रेड है या एम एम फिफ्टीन ग्रेड है, कुछ भी है, ठीक है। तो एम फोर क्या है इसमें, एम फोर क्या है, एम है मिक्स, मिक्स मतलब मिक्सचर, मिक्सचर किसका, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का, ठीक है, इनका मिक्सचर। और 15 क्या है, 15 है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जो है स्ट्रेंथ आनी चाहिए उसकी, क्योंकि एम 15 ग्रेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ लेते हैं सीमेंट का कितना होता है, तो ये 30 मिनट होता है, ये तो बहुत सिंपल है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम पूछ लेते हैं तो होता है 10 घंटे या 600 मिनट, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील की डेंसिटी पूछ लेते हैं। डेंसिटी देखिए किसी मटेरियल की पूछी जा सकती है, तो स्टील की जो होती है 7850 kg per meter cube, ठीक है। और सीमेंट की पूछ लेंगे तो सीमेंट की हो जाएगी 1440 kg per meter cube, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी पूछ सकते हैं, तो सभी की आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जेसीबी, जेसीबी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, तो इसका इसकी फुल फॉर्म होती है जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड एक जो है इंसान था, इंसान है जिसने इसको बनाया है जेसीबी को, तो अपने नाम पे इसने इसका नाम रखा है जेसीबी, तो जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एंगल ऑफ हुक, देखिए जो हुक प्रोवाइड करते हैं हम, यानी कि स्ट्रिप्स जो बोलते हैं, स्ट्रिप्स ऐसे बनाते हैं, ये जो यहाँ से कितना मोड़ते हैं इनको, ठीक है, 135 डिग्री एंगल पर मोड़ते हैं, यहाँ पे स्टील स्टील बार होते हैं कॉलम में, ठीक है, कॉलम या बीम में, जिसमें भी, तो ये जो ये एंगल कितने एंगल पर मोड़ते हैं ये पूछा है, तो ये होता है 135 डिग्री, ठीक है।